नमस्कार दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। विद्यार्थियों, पिछले के वीडियो में मैंने अशोक द्वारा निर्मित 14 शिलालेखों के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि अशोक के शिलालेखों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से भाग है विद्यार्थियों? देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो शिलालेख है उसको हमने दो भागों में बांटा था, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। वृहद शिलालेख जो है उसके 14 लेख हमें 8 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में विद्यार्थियों पढ़ लिया था। आज हमारी बात है लघु शिलालेखों की। लघु शिलालेख जो मिले हैं वो ज्यादातर 21 स्थानों से हमें लघु शिलालेखों का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो लघु शिलालेख है ये ज्यादातर दो दो लेख इन 21 स्थानों पर एक जैसे देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, स्थान पहला है एहरोरा, दूसरा रतनपुरवा, तीसरा है मास्की, गुर्जरा, पांचवा उदय गोलम। पहला क्या है? एरोरा। दूसरा क्या है? रतनपुरवा। तीसरा कौन सा है? मास्की। चौथा गुर्जरा और पांचवा है उदय गोलम। फिर है एरा गुडी। सातवा है आपका सिंहपुर, जटिक रामेश्वरम, जटिक रामेश्वरम। नवा है आपका गोवी मठ। इसके अलावा लाला लाजपत नगर। इसके अलावा है सन्नति। फिर है आपका निट्टूर, भाबरू। इसके अलावा सहस राम। इसके अलावा भी और कई शिलालेख है। इसमें आपका आता है कौन कौन सा? रूपनाथ, बैराट। इसके अलावा भी और कई है, उनमें आता है पालकी गुड्डू। इसके अलावा भी और कई है, उसमें आता है बुगनी। बुगनी के अलावा आपका और कई आता है राजुल मंडगिरी आता है। इसके अलावा भी और कई आते हैं, रूपनाथ लिख दिया, सहस्राम हो गया, बुधनी हो गया। इसके अलावा गोवी मठ भी लिख दिया मैंने। एक आपका और छूट रहा है सिंहपुर नहीं लिख दिया मैंने। सिंहपुर भी, जटिक रामेश्वरम हो गया, उदय गोलम हो गया, लाजपत नगर हो गया। इस तरीके से विद्यार्थियों 21 जो है आपके लघु शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं विद्यार्थी? एहरोरा आपके पड़ता है कहाँ पर? यूपी में, बता बुरो हो तो। ये जो है आपके 21 लघु शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए विद्यार्थियों, एहरोरा, रतनपुरवा,
मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, एराबुडी, सिंगपुर, जटिक रामेश्वरम, गोवीमठ, लाला लाजपत नगर, सन्नति, निट्टूर, भाबरू, सहसराम। सहसराम कहाँ पड़ता है? बिहार में। भाबरू कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। लाला लाजपत राय नगर कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। विद्यार्थियों, रूपनाथ, बैराट राजस्थान, पालकी गुड्डू कर्नाटक, ठीक है, बुगनी राजुल मंडगी, और आता है दुरुहुतो और रतनपुरवा भी यूपी में पड़ता है। दुरुहुतो भी कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, एराबुडी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जटिक रामेश्वरम आपका कर्नाटक में पड़ता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये 21 लघु शिलालेख हमें 21 स्थानों से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो शिलालेख मिलते हैं, इनमें दो दो लेख उत्कीर्ण हैं, ज़्यादातर दो या तीन लेख उत्कीर्ण हैं। तो इस प्रकार हमने दो शिलालेखों के बारे में पढ़ा, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। अब बात ये आती है कि इनके अलावा और क्या क्या मिले हैं हमें अशोक के शासनकाल में, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने शिलालेखों के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो ध्यान रखना है लघु शिलालेख 21 है। पहला एरोरा, रतनपुरवा, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, एराबुडी, सिंगपुर, जटिक रामेश्वरम, गोवीमठ, लाला लाजपत नगर, सन्नति, निट्टूर, भाबरू, सहसराम, रूपनाथ, बेराट, पालकी गुड्डू, बुगनी, राजू मंडगली और ध्रुवतो। इन 21 स्थानों से हमें लघु शिलालेखों के अवशेष देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों स्तंभ लेखों की। किसकी बात करते हैं? स्तंभ लेखों की, शिलालेखों की बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं हम स्तंभ लेख की। किसकी बात करते हैं? स्तंभ लेख की। स्तंभों के ऊपर जो लेख लिखे गए उन्हें स्तंभ लेख के नाम से जाना गया। स्तंभ लेखों को भी विद्यार्थियों हमने दो भागों में बांट दिया। एक है आपका वृहद स्तंभ लेख और दूसरा है आपका लघु स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख जो है 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों से? 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं विद्यार्थियों। पहला है आपका दिल्ली टोपरा। कौन सा है? दिल्ली टोपरा। दूसरा है विद्यार्थियों दिल्ली मेरठ। तीसरा है विद्यार्थियों आपका सहस लोरिया लंदनगढ़। चौथा है लोरिया अरेराज नंदनगढ़। पांचवा है विद्यार्थियों रामपुरवा। क्या है? रामपुरवा है। उसके बाद आपका छठा आता है प्रयाग प्रशस्ति। ऊपर लिख देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। प्रयाग प्रशस्ति लघु शिला प्रयाग प्रशस्ति। ये 6 जो है आपके वृहद स्तंभ लेखों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं विद्यार्थियों? पहला है आपका दिल्ली टोपरा। देखो, बात करते हैं हम दिल्ली टोपरा की, तो दिल्ली टोपरा नामक स्थान हरियाणा में है। और विद्यार्थियों, आपके फिरोज शाह तुगलक का नाम आपने सुना होगा। फिरोज शाह तुगलक के काल में इस दिल्ली टोपरा के स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया। कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। तो वर्तमान में ये दिल्ली टोपरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक के काल में इसको दिल्ली लाया गया था। इसका उल्लेख शम्स ए सिराज कौन से ग्रंथ में मिलता है विद्यार्थियों? शम्स ए सिराज ग्रंथ में इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है। क्या मिलता है? कि दिल्ली टोपरा जो कि हरियाणा में है, हरियाणा से ये दिल्ली लाया गया। फिर
दुर्योग शाह तुगलक के काल में और दिल्ली शम्स ए सिराज, शम्स ए सिराज में इस बात का उल्लेख हमें देखने को मिलता है विद्यार्थियों। उसके बाद आता है दिल्ली मेरठ, ये भी क्या था, फिरोज शाह तुगलक के काल में लाया गया और इसका उल्लेख भी शम्स ए सिराज में देखने को मिलता है। इसके अलावा लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज, ये दोनों ही कहाँ पर है विद्यार्थियों, बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में है। और लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज, यहाँ पर मयूर मयूर चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर, हमें लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज में हमें मयूर का अंकन मिलता है। रामपुरवा जो है विद्यार्थियों, वो भी बिहार में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में इसको देखने को मिलता है। जबकि एक चीज और ध्यान रखनी है, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज, ये दोनों ही औरंगजेब से संबंधित है। किससे संबंधित है विद्यार्थियों, औरंगजेब से जो है ये संबंधित माने जाते हैं। लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़, दिल्ली चोपड़ा, फिरोज शाह तुगलक के काल में दिल्ली लाए गए। लोरिया अरेराज, दिल्ली मेरठ, ये भी फिरोज शाह तुगलक के काल में लाए गए और इनका उल्लेख हमें किसमें देखने को मिलता है, शम्स ए सिराज नामक ग्रंथ में इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है। अब बात आती है पांचवा, ये है आपका बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। अगर बृहत स्तंभ लेखों की बात करें विद्यार्थियों, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो माना जाता है वो माना जाता है आपका प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का मूल स्थान विद्यार्थियों कौशाम्बी है। कहाँ पर है, कौशाम्बी है। लेकिन अकबर के काल में इसको कहाँ लाया गया, अकबर के काल में इसको कहाँ लाया गया, अकबर के काल में जो है इसको वहां से हटाकर कहाँ लाया गया, प्रयाग लाया गया। क्या लाया गया, प्रयाग लाया गया। तो अशोक के छह लेखों के अतिरिक्त ये जो आपने छह लेख पढ़े हैं विद्यार्थियों, इनमें दिल्ली टोपरा में सात लेख मिलते हैं। कितने लेख मिलते हैं, सात लेख मिलते हैं। बाकी जितने भी स्थान है विद्यार्थियों, उन सब जगह पर छह छह लेख उत्कीर्ण है। कितने हैं, ध्यान रखना विद्यार्थियों, रीड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकता है। क्या याद रखना है, बृहत स्तंभ लेख छह स्थानों से प्राप्त होते हैं। दिल्ली टोपरा वाला जो स्थान है, यहाँ पर सात लेख उत्कीर्ण है। बाकी जो आपके पांच स्थान है, वहां पर छह छह लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़ औरंगजेब से संबंधित है। जबकि आपका जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी में थी। कहाँ पर थी, कौशाम्बी में थी। अकबर के द्वारा, इसके द्वारा, अकबर के द्वारा इसको प्रयाग लाया गया और तभी से इनका नाम प्रयाग प्रशस्ति पड़ा। और इस प्रयाग प्रशस्ति ने आपके अशोक के छह लेखों के अतिरिक्त भी कई चीजें हमें देखने को मिलती है। वो क्या क्या है विद्यार्थियों, रानी का लेख, रानी का लेख, ये यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। रानी का लेख लिखा हुआ है। इसके अलावा बोध भिक्षुओं की चेतावनी लेख, बोध भिक्षुओं का चेतावनी लेख भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में हमें क्या देखने को मिलता है विद्यार्थियों, वो देखिए, समुद्र गुप्त से संबंधित जो प्रयाग प्रशस्ति है वो हमें यहाँ पर देखने को, प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई वो भी इसी प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर लिखी हुई है। और जहांगीर के द्वारा उत्कीर्ण कुछ लेख भी हमें प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा बच्चों, क्या देखा, कि प्रयाग प्रशस्ति जो कि कौशाम्बी में थी,
उसको अशोक के समय कौशाम्बी में निर्मित किया गया, अकबर के काल में प्रयाग लाया गया और इसमें अशोक के 6 लेखों के अतिरिक्त भी कई चीजें देखने को मिलती है। पहला मैंने आपको बताया क्या, रानी का लेख। क्या मिलता है यहाँ पर? रानी का लेख मिलता है, बोध भिक्षु का चेतावनी लेख मिलता है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जहांगीर के लेख भी हमें प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो ये बृहद स्तंभ लेखों की बात हमने करी बच्चों। क्या कही? कि बृहद स्तंभ लेख जो है वो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं विद्यार्थियों? बृहद स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, दिल्ली टोपरा में। और इसमें है 7 लेख, इसमें हैं दिल्ली टोपरा में हमें 7 लेख मिलते हैं। बाकी जो 5 स्थान है वहां पर हमें कितने कितने लेख मिलते हैं? 6-6 लेख देखने को मिलते हैं विद्यार्थी। कितने कितने लेख? 6-6 लेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, ये हमने बात करी बृहद स्तंभ लेखों की। बृहद स्तंभ लेख जिसमें दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ का उल्लेख शम्स ए सिराज में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों लघु स्तंभ लेखों की। किसकी बात करते हैं? लघु स्तंभ लेखों की अगर हम बात करें विद्यार्थी, तो ये कई स्थानों पर हमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका सांची, दूसरा पड़ता है आपका सारनाथ। क्या पड़ता है? सारनाथ। सांची पड़ता है विद्यार्थियों एमपी में, सारनाथ पड़ता है आपका यूपी में, फिर आता है आपका रुमिनदेही। क्या पड़ता है? रुमिनदेही। इसके अलावा निगली सागर। क्या है? निगली सागर, रुमिनदेही, सांची, सारनाथ, रुमिनदेही, इसके अलावा निगली सागर, प्रयाग और रानी का लेख। प्रयाग और रानी का लेख, ये कुछ लघु स्तंभ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है, लघु स्तंभों के बारे में पूछा जाता है विद्यार्थियों। सांची एमपी में पड़ता है, सारनाथ यूपी में पड़ता है, रुमिनदेही जो है नेपाल की तराई में हमें देखने को मिलता है। रुमिनदेही और निगली सागर बहुत छोटे लघु स्तंभ लेख है, जिनमें क्या क्या चीजें हैं ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो विद्यार्थियों हमने लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेखों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है विद्यार्थियों। रीट एग्जाम और ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपको पढ़ाती रहूं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल से जुड़े रहिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छी नॉलेज आपको दे सकूं और आप कंपटीशन एग्जाम में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे विद्यार्थियों। अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली देखते हैं तो आप हमेशा आप अवश्य सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आगे के वीडियोज में हम अशोक के धर्म के बारे में, अशोक के गुहा लेखों के बारे में चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। इसके मैं अभी गुहा लेखों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ विद्यार्थियों। गुहा लेख कौन सा लेख विद्यार्थियों? गुहा लेखों की बात करें विद्यार्थियों, तो अशोक के समय के 3 गुहा लेख मिलते हैं हमें। एक मिलता है आपका सुदामा कर्ण चौपड़ और तीसरा है आपका विद्यार्थियों विश्व झोपड़ी। ये 3 गुहा लेख जो है हमें देखने को मिलते हैं। और जो है ये कहाँ पर मिलते हैं? अशोक ने कौन सी पहाड़ियों पर? नागार्जुन की पहाड़ियों पर इन 3 गुहा लेखों का निर्माण करवाया था। ये आप याद रखें ना विद्यार्थियों, कई बार पूछा जा सकता है कि अशोक ने 3 गुहा लेखों का निर्माण
करवाया, उनके क्या क्या नाम थे? सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे के वीडियोस में हम अशोक के धर्म की बात करेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।